अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पैशन रादर में जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत, आई होप मेरी मिसेस नहीं सुन रही, एस्ट्रोनॉमी, एमेचर एस्ट्रोनॉमी के बारे में अपना सफर बताऊंगा। कॉस्मोस सीरीज अभी कुछ अर्सा पहले खत्म हुई, कॉस्मोस अ पर्सनल वॉयज, यू कैन कॉल इट कॉस्मोस 3.0। और स्टार्ट मैं यहाँ से करूंगा, सर्दियों की एक बड़ी सर्द रात में 2 इंच की टेलीस्कोप से, जिसका लेंस सिर्फ 2 इंच के साइज का था, बड़ी ऑर्डिनरी टेलीस्कोप थी, उसको एक स्टार की तरफ, जो आसमान में एक नुक्ता नजर आ रहा था, स्टार नजर आ रहा था, जब टेलीस्कोप को उसकी तरफ किया गया तो उस दूरबीन में से मुझे ये मंजर नजर आया। एक बॉल था मूनलाइट, जिसके ऊपर 2 ब्लैक लाइंस पड़ी हुई थी और इर्द गिर्द 4 नुक्ते बड़े रोशन थे। अभी क्या हो सकता है? प्लैनेट जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, और उसके 4 चांद जो जमीन से बड़ी आसानी से नजर आ जाते हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये वो मंजर है जिसको जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले गैलीलियो ने अपनी होममेड टेलीस्कोप से देखा था। मैं सारी जिंदगी बचपन से स्टार्स में, नाइट स्काई में दिलचस्पी रखता हूँ, बल्कि मेरी मदर ही कहा करती हैं कि जब तुम स्कूल नहीं जाते थे तो उस वक्त भी तुम बाहर आसमान की तरफ देख रहे होते थे। आई हैव नो आइडिया कि मैं उसे क्या सोच रहा था, क्योंकि यहाँ इश्क मम्मी की बात हो रही है। अब मसला ये था कि जब मुझे स्टार से और प्लैनेट से दिलचस्पी है तो मेरे सिलेबस में जो बुक्स हैं उसमें इनका जिक्र नहीं है। सिर्फ एक किताब थी जिसमें एक जिक्र था कि निजामे शमसी कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे बना, और वो एक गलत थ्योरी थी, समथिंग लाइक 250 ईयर्स ओल्ड थ्योरी थी। उस थ्योरी ने मुझे बड़ा तंग किया। वो एक थ्योरी थी कि कॉमेट आया, सूरज से टकराया, मटीरियल बाहर निकला और प्लैनेट्स बन गए। मैंने अपने टीचर से पूछा कि अगर प्लैनेट्स उसके टकराने से बने हैं तो जो आकर उससे टकराया था वो कैसे बना? तो मेरे टीचर ने कहा कि बैठ जाओ और सबर की याद करो। जो लिस्ट पूछी जा रही थी, मुझसे पूछा जाता तो मैं उसमें टीचर्स का नाम लेता, क्वेश्चन था ना टीचर, आई नो कि टीचर्स कितना स्पॉइल कर सकते हैं, उनकी पोटेंशियल कितना ज्यादा होता है। तो टेक्स्ट बुक्स ने मुझे हेल्प नहीं दी। फिर मैं स्कूल में ही था तो एक पीटीवी ने बड़ा अच्छा काम किया, कॉस्मोस सीरीज को पीटीवी पे दिखाना शुरू किया गया। जो प्रोग्राम मैंने देखा वो उर्दू में ट्रांसलेटेड था, मेरे लिए बड़ी आसानी थी। और डॉक्टर कार्ल सेगन की बड़ी मशहूर सीरीज है, दुनिया में लोग बहुत इंस्पायर हुए इससे, ना सिर्फ साइंटिस्ट बने बल्कि ग्रेट फिलोसोफर्स, इंजीनियर्स और सोसाइटी के लीडर्स बने। ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं था। फ्राइडे के दिन छुट्टी के वक्त ये लगा करता था और मेरी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर बड़ा इंतजार करता था। जब मैंने पहली दफा देखा तो मैंने पलक नहीं झुकाई, ये इतना इंस्पायर कर गया मुझे। अब एजुकेशन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी एस्ट्रोनॉमी की, तो एक जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है वहां से मैंने मास्टर्स एस्ट्रोनॉमी में किया, क्योंकि मैं एस्ट्रोनॉमी को छोड़ना नहीं चाह रहा था। अब जब आप एस्ट्रोनॉमी में मास्टर्स कर लेते हैं तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको इक्विपमेंट चाहिए होता है। पाकिस्तान की मोस्ट इक्विप्ड ऑब्जर्वेटरी मैंने अपने घर की छत पे बनाई, जेड्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी उसका नाम रखा। जेड्स मेरी मदर के नाम पर है, जाहिदा, मेरी माँ की बड़ी सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रही है, और उन्हीं के नाम पर मैंने ये रखा। आपको 2 कमरे नजर आ रहे हैं, और ये टेलीस्कोप रूम है, ये ह्यूमन रूम है जहां मैं बैठता हूँ। खास बात इसकी ये है कि टेलीस्कोप रूम कवर्ड होता है, जाहिर बारिश से और मौसम से मुझे बचाना है, लेकिन इसकी छत खुल सकती है, रोल ऑफ रूफ है, और ताकि टेलीस्कोप को आसमान नजर आ सके। इसके अंदर ये टेलीस्कोप अवेलेबल है। टेक्निकल डिटेल्स को छोड़े बगैर ये समझ लीजिए ये बहुत अच्छी टेलीस्कोप है। और अभी प्रोबेबली अराउंड 8 इसी टेलीस्कोप से आप प्लैनेट सैटर्न अपनी आंख से देखेंगे। ये टेलीस्कोप बाहर लगा दी है, आप में से कुछ लोगों ने देखी भी थी, मुझे कुछ लोग आके बता रहे थे। पाकिस्तान की जदीद तरीन टेलीस्कोप टेलीस्कोप्स में से ये शामिल है। टेलीस्कोप्स में जिस आप कंप्यूटर्स में कहते हैं कि प्रोसेसर आपके पास कौन सा है, टेलीस्कोप्स में आप मिरर का
डायमीटर लेते हैं तो 14 इंच मिरर है इस टेलीस्कोप का, ये सीसीटीवी कैमरे और वगैरह वगैरह। ये ह्यूमन रूम है जी, इस पैनोरामिक व्यू, और इसमें मौसम की गर्मी सर्दी से बचकर मैं सारी रात एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ। ये एक शुरू के इमेजेस में से इमेज है जिसमें आपको ऊपर से नजर आ रहे हैं हाइव की तरह, पक्षियों के छत्ते की तरह, एक्चुअली ये सब के सब सूरज हैं। इस ग्रुप में 10 लाख सूरज हैं, मिलियन स्टार्स। जितने आसमान पर, क्या मतलब कि मैं आपको जवाब देता हूं, जितने आसमान पर आपको सितारे नजर आते हैं वो सब के सब सूरज हैं, लेकिन चूंकि हमसे इतने दूर है हमें बिल्कुल नुक्ते की सूरत में नजर आते हैं। तो ये एक क्लस्टर है जिसमें हम तकरीबन 10 लाख सूरज देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन गैस का क्लाउड है। अभी आर्ट की बात हो रही थी, स्टूडेंट्स बड़े इंस्पायर होते हैं ऐसी तस्वीर से, ऐसे मंजर को जब अपने टेलीस्कोप से देखते हैं। इसके अंदर हजारों नए निजामे शमसी बन रहे हैं सिर्फ इस एक क्लाउड के अंदर, जिसको आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं सर्दियों में। दुनिया में सवाद किसी को नहीं, कायनात में सवाद किसी को नहीं। हर सूरज की डेथ हो जाती है, हमारे जैसे सूरज की जब डेथ होगी तो वो अपने अंदर का मटेरियल इजेक्ट करेगा एक रिंग की शक्ल में जो इस तरह का होगा, तो स्टार्स पैदा होते हैं, स्टार्स की डेथ होती है। ये क्या मंजर है? अभी हम देख रहे थे माउंटेन्स की तस्वीरें, अब ये एग्जैक्टली ये मून के माउंटेन्स हैं, और आप देख लीजिए वो अच्छा खासा स्टीप एंगुलर इमेज का एंगल बना हुआ था, तो उसमें आपको माउंटेन्स नजर आते हैं। ये चांद के ऊपर जो बड़े बड़े गड़े आकर टकराते रहे, पत्थर आकर टकराते रहे, उन्होंने ये गड़े बनाए। अंदाजन बताइए इसका साइज कितना होगा, इस क्रेटर का कितना साइज होगा? मैं आपके पॉकेट मून की बात नहीं कर रहा, इट्स अ रियल मून, ठीक है? इसका 100 किलोमीटर साइज है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा पत्थर चाहिए। आई डू होप कितना बड़ा पत्थर आपके पॉकेट में रखना है। लेकिन मैं सबसे अहम स्टार मिस कर रहा था, हमारा अपना सन। उसके लिए मैंने ये किया कि एक और दूरबीन खरीद ली, ये दूरबीन है। ये सोलर टेलीस्कोप है, और इसकी खास बात यह है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोलर टेलीस्कोप है। ये लाहौर में है, और इससे मैं स्कूल्स में बच्चों को ऑब्जर्वेशन करवाता हूँ। इसकी खास बात यह है कि सूरज के अंदर से निकलती हुई आग भी दिखा सकती है, ये वाइड इस टेलीस्कोप से नजर आ सकता है। ये क्या चीज है? बैटरी और पिज्जा और उसमें क्या? ये सूरज की तस्वीर है जो उस टेलीस्कोप से नजर आया, और सूरज की सतह के ऊपर बहुत कुछ होता है। इंशाल्लाह ताला यूईटी में हम सेशन करेंगे सोलर टेलीस्कोप का, नजर से भी बात होगी। ये देखिए सूरज, ये तो ये सूरज की है, और ये सूरज के अंदर से वो आग निकल रही है जिसका मैंने जिक्र किया। कंपैरिजन कीजिए प्लैनेट अर्थ का साइज क्या है। एक और सूरज से निकलती हुई आग की तस्वीर, सूरज की सतह। कहा जाता है ना किसी चीज के आप करीब चले जाएं, किसी इंसान के आप करीब चले जाएं तो वो इतना प्यारा नहीं लगता। सूरज की सतह को अगर आप करीब से देखें तो मीन इट्स रियली स्पॉटलेस, इस तरह की चीजें। अब मैंने ये पैशन अपने तक नहीं रखा, लास्ट 20 ईयर से पब्लिक स्टार गेजिंग सेशंस मैं अपने बड़े अच्छे स्टारी फ्रेंड्स के साथ करवाता हूँ। कोर्ट राधा किशन में ये एक इज्तम था स्टूडेंट्स का, इर्द गिर्द के लोगों का। हम कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम जब स्कूल्स में जाते हैं तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि इर्द गिर्द के लोगों को बुलाएं, आम कॉमन मैन को बुलाएं, और हम कभी कोई चीज़ चार्ज नहीं करते। हमारी सारी ये एक्टिविटीज हमारे पॉकेट मनी से चलती हैं। और टेलीस्कोप है जो बायोस्फीयर नस्ब है, और ये स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट हम लाइव व्यूज प्लैनेट्स के और मून के दिखा रहे थे, न्यू कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये कसूर
फूलनगर में जो एक गांव है वहां पर जाकर हमने गवर्नमेंट के स्कूल में तकरीबन ये 2000 के करीब लोग थे, बच्चे थे, इनको ऑब्जर्वेशन करवाई डीपीएस ओकारा की। ये बाय द वे दिस इज प्लैनेट सैटर्न और यही आज आप अपने इस टेलीस्कोप से अपनी आंख से देखेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। ये डीपीएस ओकारा की तस्वीर तकरीबन 3000 लोगों को हमने ऑब्जर्वेशन करवाई। किला रोहतास जेहलम में जेहलम के लोगों को, इस्लामाबाद के लोगों को, लाहौर के लोगों को हमने इकट्ठा किया और सारी नाइट स्पेंड की। बहुत इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं हमारे, कहीं कोई लेक्चर नहीं होता, कहीं कोई खिताब नहीं होता, इट्स ऑल वेरी इंटरेक्टिव। लोग बात करते हैं, मुझे सिखाते हैं, मेरे पास कोई चीज़ हो तो मैं उनको बता सकता हूँ। ये शाहदरा की क्या गवर्नमेंट स्कूल, ये सवाबी लाहौर सेंट पीटर्स स्कूल, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, इस्लामाबाद में ब्रॉक सोसाइटी का कैंप लगा करते हैं 2 साल बाद में उसके अंदर। ये मेरी पसंदीदा तस्वीर में से हाँ। मदरसा के स्टूडेंट्स बहुत कुछ, एक तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत पेश आई क्योंकि इनके कारी साहब जो थे वो परेशान हो रहे थे कि क्या कर रहे हो बच्चों को, क्या सिखा दोगे, तो वो भारत उनको मैंने कारी साहब को भी बुला लिया और उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। आप स्माइल देखें, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर, इसमें आप बच्चों की स्माइल। मैं बच्चों से कह रहा था कि अब ये कुछ ग्लासेस हैं, ये दूसरों को भी शेयर करवाएं, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे थे। सूरज उनको यही सारी ग्लासेस अभी आपके पास अच्छी हुई, ये बुजुर्ग थे वो सब्जी लेकर जा रहे थे तो उनको मैंने पकड़ के सूरज तक पहुंचा दिया। आईएसटी इस्लामाबाद में, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में भी एक इवेंट रहा। अब मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर मेरे टारगेट्स क्या हैं, मैं ये चाहता हूँ कि एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में रिसर्च लेवल पे स्टार्ट किए जाएं जो कि इजीली किए जा सकते हैं। फोटोमेट्री लाइट कर्व की मदद से हम एस्ट्रॉइड्स जो सूरज के इर्द-गिर्द घूमते हैं उनके ऑर्बिट्स निकाल सकते हैं, उनकी शक्ल बता सकते हैं। ऐसे सियारे आप न्यूज़ सुनते हैं कि जमीन की तरह का सियारा डिस्कवर हुआ, जो बाय टेलीस्कोप ऐसे आप ये काम कर सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल है। बाइनरी स्टार्स, ऐसे सूरज जो एक दूसरे के, एक सूरज दूसरे सूरज के इर्द-गिर्द घूमता है, आप इनका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये काम इंशाल्लाह ताला इस साल जेड्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से शुरू हो रहा है। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर बड़े शहर में कम अज कम एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी हो। देखिए एस्ट्रोनॉमी का, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का शौक तकरीबन हर शख्स को होता है। मैंने जिसको टेलीस्कोप से दिखाया है उसे कभी बोर नहीं हो। मैं ये चाहता हूँ कि सोसाइटीज बने, स्पेशली स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में। मैं ये चाहता हूँ टेलीस्कोप्स अवेलेबल हों, उसके लिए भी इंतजाम हो रहा है और इस साल कराची से टेलीस्कोप्स सेल हो रही हैं, लाहौर से भी टेलीस्कोप इस साल अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे सेल होना। और सबसे बढ़कर हमें पता नहीं होता कि हर शहर में, हर गाँव में कितने लोगों को एस्ट्रोनॉमी से दिलचस्पी है, कोलेबोरेशन नहीं है। फेसबुक इस लिहाज से बहुत कीमती साबित हुआ है हमारे लिए। हमें पता लगा गिलगित में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने एक टेलीस्कोप खरीद के ऑब्जर्वेशन करवाई तो वो हमसे शेयर कर रहे थे। कराची इज वेरी एक्टिव इन एमेचर एस्ट्रोनॉमी, इस्लामाबाद एक्टिव है, लाहौर में आप हैं और आप देखने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। ये मेरे सारे सपोर्टर बाय द वे, ये वो इनके बगैर ये सब कुछ हो नहीं सकता जो कुछ मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर सदी अनवर लम्स में उस्ताद हैं, डॉक्टर सादत अनवर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, ये खोरिज्मी साइंस सोसाइटी के प्रेसिडेंट और फाउंडर्स हैं, इनकी हमारे साथ बड़ी सपोर्टरी। उमर अजीज़ हैं, इरशाद हैं और ये लोग हैं, डॉक्टर नासर, नबील चौधरी, फैसल तूसी, ये लोग फाउंडिंग फादर्स हैं लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के। और लास्ट में लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हम सब मिलकर ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो होपफुली आज आप चैतन देखेंगे, आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।